बहुत ही अलग एक स्टोरी है. मतलब हम जो दिन बिताए वहाँ पे, यमुना के किनारे पूरा सेट बना था वहाँ पे, वी स्पेंड अ ह्यूज 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 टाइम ओवर देयर. मतलब सब टेक्नीशियंस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मतलब ऑफ स्क्रीन की बात कर रही हूँ मैं. इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस, माय फर्स्ट डेब्यू इन हिंदी. सो इट वाज वेरी अमेजिंग वर्किंग विद देम, स्पेशली किंग शुभ दावर प्रोड्यूसर. ही इज अमेजिंग पर्सन, आई जस्ट लव्ड वर्किंग विद देम. सबसे पहले तो मेरा नाम है प्रथमेश चिवलकर, और बेसिकली जो फिल्म है पूरी यूपी साइड में बनी है, इलाहाबाद शहर में बनी है. तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टिकल था. बेसिकली मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और मुझे एसेंट पकड़ने की थी यूपी वाले की. तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे. ये मेरी डेब्यू फिल्म है बेसिकली. तो मुझे डायरेक्टर सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, कैरेक्टराइजेशन बिल्ड करने के लिए हेल्प किया. और जैसे जैसे प्रोसेस डे वन से लेकर जितने भी हमने डे शूट किए, तो जितने भी दिन हम थे, हम ऑन सेट थे, और जब भी हमारा सीन नहीं होता था तभी भी हम बाहर सीन देखते थे कि भाई जो बड़े बड़े स्टार कास्ट के साथ हम काम कर रहे हैं वो किस तरीके से टेक देते हैं. तो उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, और उसी तरीके से मैंने मेरा भी कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए ट्राई किया. जी मेरा किरदार है एक, मैं पंख बेचता हूँ, मोर पंख बेचता हूँ. बेसिकली जो अब मेरा लुक है शायद मुझे पहचानोगे नहीं फिल्म में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बाल है, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी है. तो वो एक्चुअली मेरी ओरिजिनल थी, इसलिए मुझे कास्ट किया गया था वो स्पेसिफिकली वो कैरेक्टर के लिए, कि मैं पंख बेचने वाला लगूँ, वो एक स्ट्रीट बॉय लगूँ. तो बहुत ही अलग किरदार था और बहुत ही मज़ा आया मुझे किरदार करते हुए. इस फिल्म में मेरा जो किरदार है, मेरे किरदार का नाम है शिवा, जो कि बहुत ही एक बहुत ही छोटी सी जगह से बिलोंग करता है, बहुत गरीब है, उसके पास ही इज़ अ पुअर गाय, उसके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं, बट ही है अ टैलेंट, बट उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है. तो ये जो मूवी है, इट्स ऑल अबाउट द प्लेटफॉर्म, इट्स ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटी जो मिलती है उसे कैसे यूज़ करना चाहिए, और लक, ये सारी चीज़ें भी हैं इसमें. तो शिवा का जो कैरेक्टर है, बहुत लोग अपने रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं, और उसको अपने जब वो देखेंगे, जितने भी लोग हैं जो लोग उस सिचुएशन, जो स्लम एरिया में रहते हैं, उनके लिए बहुत उनसे ये कैरेक्टर रिलेटेड है. थोड़ा स्लम बॉय है वो, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, वो सुबह इतनी मेहनत करता है, रात भर मेहनत करता है, सोता नहीं है. तो ये सारा उसका किरदार है, इस तरह ब्रीफिंग दी गई थी मुझे भी. तो जब ये रिलीज़ होगी, जो शिवा का कैरेक्टर जब आप लोग देखेंगे, तो आप सब उसको रिलेट कर पाएंगे खुद से. मेरा तो रोल बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल और बहुत ही स्वीट लड़की का है, जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है. एक प्रॉब्लम है, उसको स्कूल जाती है, भागना चाहती है बिकॉज उसके फादर एक कोच हैं और उनके सपने पूरे करना चाहती है, लेकिन उसको पोलियो है, तो वो अनफॉर्चुनेटली उनके ड्रीम्स नहीं पूरे कर पाती है. तो उसका एक रिग्रेट उसको थ्रू आउट रहेगा, बट शी इज़ वेरी सपोर्टिव, वेरी पॉजिटिव, अ वेरी सपोर्टिव फ्रेंड, अ वेरी सपोर्टिव डॉटर. सो या, इस फिल्म के साथ जो मेरी जुड़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो ये फिल्म स्पोर्ट्स के ऊपर है. और मैं खुद एक बंगाल से बहुत साल पहले शुरू किया था, और आई एम ए स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर, बाद में नेशनल लेवल तक जाने का उम्मीद थी, बट जो चीज़ दिखा है, जो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उस टाइम पे बंगाली में लड़की की स्पोर्ट्स में आना बहुत डिफ़िकल्टी थी. तो उससे मुझे एक दिल में एक इमोशन पैदा हुआ, और मैंने एकदम दिल जान लगा के तेज रफ्तार को आगे लेने के लिए जितनी अच्छी तरह से हो सके इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, अच्छे कास्टिंग, अच्छे म्यूज़िक, एवरीथिंग, हम लोग इसको दिल जान लेके तेज रफ्तार को बना लिया है. एंटरटेनमेंट से जुड़ी अन्य खबरों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट. साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव देना ना भूलें.